गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज की क्या ओवरऑल मार्केट में सेंटीमेंट बन रहा है, कैसा ग्लोबल मार्केट रिएक्ट कर रहा है। नए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर बेसिस अपडेट मिलती रहती है। अब ओवरऑल कंडीशन हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आप डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखते हैं तो जो इसका रेंज बना हुआ था, अगर आप देख रहे हो 103 से लेके 103.25 103.3 मैक्स ये लेवल था। अब इसी के बीच में पूरे इसमें टाइम इसने मैक्सिमम टाइम बिताया है और आज भी थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड आने के बाद भी इसी जगह पे रिएक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा अच्छा इंडिकेशन है कि अगर ये रेंज में भी रहता है या डाउन ट्रेंड रहता है तो हमें सिल्वर और गोल्ड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ओवरऑल कंडीशन अगर यहाँ से थोड़ा और ब्रेक होता है तो फिर आपको मार्केट में अच्छी मूव देखने को मिलेगी। आज जैसे अगर बात कर लेते हैं तो आज कुछ डेटा भी आने वाला है और कल का जो दिन है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा जो मेज़र इम्पैक्ट करता है ग्लोबल इकोनॉमी को और यूएस में कैसे एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके ऊपर, तो वो आज और कल दो दिन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। प्राइस पैटर्न के बेस में जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप होप बेस जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओवरऑल कंडीशन यहाँ भी आप एक रेंज का फॉर्मेशन है, सपोर्ट लेवल 103, उसके बाद में 102.9, ये दोनों सपोर्ट लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट बने हुए हैं। रेजिस्टेंस एज इट इज अगर इसे पूरा दिन जो बताया ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, तो फाइनली इसके लिए यही रेंज बनने वाली है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस बढ़ती है तो बेटर रहने के चांसेस रहेंगे। अब गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं, गोल्ड में एक अच्छी रैली के साथ में मार्केट धीरे धीरे करके अप ट्रेंड करता हुआ 2500 के आसपास अप्रोच कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारे लिए रेंज है, हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है जोन है, उसके आसपास क्या पैटर्न बन रहा है उसको वॉच करिए। आप यहाँ देखोगे इसके पास इसने एक जाने के बाद जो 2400 के आसपास बना हुआ था उसके बाद में एक हैमर टाइप का गैप डाउन होता है, लेकिन दोबारा से हैमर करके रिकवर कर जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर से कंट्रोल में है, फिर दोबारा से रैली इसको कंटिन्यू करती है। और अभी ये जो हाईएस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं तो लगभग ये 2492 के आसपास तक का हाई लगा चुका है, और 2492-93 का हाई का मतलब अप्रॉक्स 2500 ही आप मान सकते हैं उसके आसपास पहुँच चुका है। अब इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट कौन सा है, ऑलरेडी 2474, ये सब हमारे लिए एक इनपुट पैरामीटर हैं जिसको हम पहले चेक करते हैं, उसके बाद में अपनी स्टडी को वर्क करते हैं। अब जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ आपको देखने को मिला, सिमिलर टाइप से यहाँ भी आपने देखा अच्छे मूवमेंट के लिए मार्केट बना। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट क्या था इसके लिए, ये रेंज का फॉर्मेशन। इस रेंज के जब ये ऊपर निकला, आप इसको एक कप बना के भी बोल सकते हैं कि अगर जैसे यहाँ से इतना मोमेंटम आया है, थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक बार रिवर्स आके फिर दोबारा ब्रेक करता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको मूव देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल कंडीशन अगर यहाँ वॉच करते हैं तो ये 70,000 का जो एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा अप्रोच करता हुआ 70,350 और 400 के आसपास जाके पहुँचने के लिए रेडी बना हुआ है। अब यहाँ पे बात इसके लिए 70,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। अगर फर्दर ये नीचे निकलता तो इसके लिए 70,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 70,200 भी एक सपोर्ट है। तो ये 200 से लेकर 500 ये एक अच्छा सप्लाई जोन है, इस पर मार्केट ऑलरेडी पहुँच चुका है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको एक अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ आप रिकवरी की अगर पॉइंट से बात कर लेते हैं तो 4 आवर में ये जो बड़ी गिरावट आई है उसके बाद में रैली हुआ, ये जो फर्स्ट लो है उससे सेकंड लो उससे ऊपर है, अभी दोबारा से ऊपर निकल रहा, थोड़ा ऊपर जाए उसके बाद में जब पुल बैक लेके दोबारा ऊपर निकलता है तो ये जो रेंज है इसको भी ये ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी रख देगा। अब इसके लिए थोड़ा इनपुट चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और सेंटीमेंट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन सबसे आपको मिलती रहेगी। फिलहाल हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट 70,000 के आसपास हमारा सपोर्ट लेवल बनता हुआ देखेगा, और उसके बाद 70,500 ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ। अब ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि कॉमेक्स में क्या फॉर्मेशन है सिल्वर के, सिल्वर कॉमेक्स थोड़ा सा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे जो ओवरऑल कंडीशन बनी है अगर उसको आप वॉच करते हो तो इसके लिए 28 का लेवल इंपॉर्टेंट था, ऑलरेडी इसने 28 के आसपास अप्रोच किया और टच भी किया, और उसके बाद दोबारा एक थोड़ा वीकनेस इसको शो कर रहा है, बट स्टिल हमारे लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है 27.6 हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर यहाँ पे थोड़ी वीकनेस रहती है डेफिनेटली इंडियन मार्केट में भी थोड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये
आपको यहाँ पे ये भी वॉच रखना है, क्योंकि ओवरऑल कंडीशन एक रेंज स्पेशली फॉर न्यू कमर्स न्यू ट्रेडर्स के लिए क्या है, ये रेंज, रेंज के बाद ब्रेकआउट के बाद दोबारा रेंज। अब दोबारा रेंज ये जो बना रहा है, फिर इसमें अगर डाउन साइड आता है तो फिर थोड़ी वीकनेस डेफिनेटली बनेगी, जिसके थोड़े चांसेस अभी आज कम है, थोड़ा पुल बैक करेगा बट स्टिल आपको एक इसी रेंज में पहुंचेगा। और उसके बाद में सेकंड हाफ में कुछ डेटा आने वाला है, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट इनपुट का काम करेगा और उस बेस से इसको वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम 4 आवर में भी देखते हैं तो 4 आवर में सिमिलर टाइप की पैटर्न यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। एक थोड़ा सा जो नेगेटिव कैंडल की बात कर लेते हैं, तो इसका अगर फॉलोअप आता है नीचे क्लोज करता है तो एक इंगल्फ करने का इवनिंग स्टार आप बोल सकते हैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन हो जाता है तो ये दोबारा इसके लिए ये सपोर्ट लेवल स्ट्रांग हो जाएगा रोकने के लिए। नेक्स्ट अगर हम इसे सिल्वर मिनी की बात कर लेते हैं, मिनी का फॉर्मेशन फ्रेंड्स ऑलरेडी जैसे हमने कॉमेक्स को देखा सिमिलर फॉर्मेशन के लिए बना हुआ है। जैसा अभी यहाँ पे 81,750 के आसपास तक का रेजिस्टेंस ने फेस किया है और ये इसके लिए ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। अब इसके बाद में इसके लिए 82,000 होता हुआ 80,150-160 ये लेवल्स के लिए अप्रोच करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ग्लोबल कंडीशन और अदर सेंटीमेंट बने हुए हैं वो अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव होते हैं तो ये सपोर्ट इसके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि 81,000 के आसपास बना हुआ है और उसके बाद 80,750-800 ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप देखोगे एक जो हम स्टडी कर रहे थे उसमें एक वॉलेटिलिटी मूव बना रखा था, फिर ये सपोर्ट लेवल यहाँ से क्रिएट करा था, ये सपोर्ट लेवल कहीं ना कहीं बैक साइड में आप टेस्ट करोगे वहाँ आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कंडीशन यहाँ भी एक अच्छा ट्रेंड है, ब्रेकआउट के लिए रेडी है बट अभी इसको थोड़ा सा कन्फर्मेशन के लिए वेट है। ब्रेकआउट तो करेगा, आज नहीं करेगा तो एक दो दिन बाद करेगा, बट इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि जाना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो बड़ी ग्राउंड के बाद में एक डाउन मूव, रेंज का फॉर्मेशन, अपसाइड रेंज का फॉर्मेशन, थोड़ा हो सकता है डाउन साइड रैली करे फिर दोबारा से इसको ब्रेक करे, क्योंकि दोबारा से रेजिस्टेंस है जो 81,800 से लेके 82,200-150 ये लेवल है, अगर इसको निकाल देता तो फिर 83 की तरफ ही अप्रोच करने की कोशिश करेगा, तो ये ऑलरेडी एक सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है। सिमिलर टाइप से अगर आप कॉमेक्स को देखा हमने, MCX को देखा, माइक्रो को देख रहे हैं, माइक्रो भी सिमिलर टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। जब भी इसने ब्रेकआउट किया है अपने जो रेंज है उसको टेस्ट करने के लिए आया है, टच करने के लिए आया है। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट करने के बाद इस रेंज के पास एक बार आया, ब्रेकआउट किया दोबारा इस रेंज के पास आया, सिमिलर टाइप का पैटर्न बना रखा है। अगर दोबारा से यहाँ पे आता है तो 81,000 जो 200 का लेवल है ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, उसके बाद जब पुल बैक आएगा तो 82,000 होता हुआ मार्केट धीरे धीरे करके 83,400 ये अप्रोच करने के लिए रेडी बैठा हुआ है, जैसा कि 4 आवर कैंडल में भी एक्सपेक्टेड शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इवनिंग में थोड़ी सी गिरावट थी यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल कंडीशन दोबारा से रिकवर करके सेम लेवल पे क्लोज किया, एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे सेम लेवल का, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स के कंट्रोल में है, बट जब तक ये ब्रेकआउट करके कंफर्म नहीं करता है तब तक आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर इसको हम डेली में देखते हैं, डेली कैंडल बहुत ही अच्छी और स्ट्रांग मूवमेंट के साथ में बनी हुई है। फिलहाल इसका साइडवेज से अब ट्रेंड की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, आपको पॉजिटिव होप के साथ में स्टॉप लॉस के साथ में जाना होता है, तभी आप अच्छे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते। कल जैसे आप देख रहे हैं अब 1,000 पॉइंट में इसने क्लोज किया है, लेकिन रैली की अगर बात कर लेते हैं तो हाईएस्ट इसने लगाया है 81,768 का और लो इसने बनाया है 80,300 का। तो इस तरह आप लोगों को 1,500 पॉइंट का इसमें मोमेंटम रहा है कल के दिन में। 1,500 पॉइंट में आपको कितना कैप्चर करना है वो आप देखिए, 10 से 12 हज़ार लगा के आप कितना उसमें ग्रैब करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से कंडीशन आपको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे बहुत इजी रहेगा। एक पॉजिटिव होप यहाँ पे बना हुआ है बट स्टिल सपोर्ट लेवल स्ट्रांग है 81,200, इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए। अगर नीचे निकलता दोबारा से ये जोन इसके लिए और रोकने के लिए बैठा रहेगा। ओवरऑल कंडीशन फ्रेंड्स बेटर है, ग्लोबल कंडीशन में थोड़ा सिल्वर में वीकनेस है, अदरवाइज अदर कंडीशन में ओवरऑल कंडीशन बेटर लग रही है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।